नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है बांद्रा टर्मिनस जयपुर सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जो कि हफ्ते में 3 दिन चलती है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है बांद्रा टर्मिनस मुंबई से जयपुर तक चलने वाली बांद्रा टर्मिनस जयपुर सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जो कि अब नए अपडेटेड टाइम टेबल और टिकट किराए के साथ चल रही है। तो सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बांद्रा टर्मिनस जयपुर सुपर फास्ट एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर है 12979। ये जो ट्रेन है बांद्रा टर्मिनस मुंबई से हर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को चलती है जयपुर जंक्शन के लिए, और बांद्रा टर्मिनस से जयपुर की जो दूरी है ये 16 घंटे 40 मिनट में कवर करती है। इसके तकरीबन 17 स्टेशन हैं, 1150 किलोमीटर के करीब यात्रा अपनी कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर लगभग 70 किलोमीटर पर आवर है। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। आगे बात करते हैं बांद्रा टर्मिनस जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के रूट मैप के बारे में। तो ये जो ट्रेन है बांद्रा टर्मिनस अपनी यात्रा जो है स्टार्ट करती है, फिर अंधेरी बोरीवली होते हुए ये वापी में पहुँचती है, फिर सूरत वडोदरा जंक्शन, गोधरा जंक्शन होते हुए रतलाम जंक्शन में पहुँचती है। रतलाम जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है नगदा, कोटा, सवाई माधोपुर होते हुए जयपुर जंक्शन में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। इस यात्रा को कवर करने के लिए इसे 1148 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करना पड़ता है। अगर बात करें इसके टिकट किराए के बारे में, तो मैं जो अभी आपको बांद्रा टर्मिनस जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस का टिकट किराया बताऊँगा वो बांद्रा टर्मिनस से जयपुर जंक्शन तक का होगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कन्फर्म करें। बांद्रा टर्मिनस जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में अगर बात करें फर्स्ट एसी के किराए के बारे में, तो फर्स्ट एसी का बांद्रा टर्मिनस से जयपुर तक का टोटल किराया 3500 रुपये है, जिसमें 3198 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 60 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 75 रुपये है, GST चार्ज 167 रुपये है, टोटल किराया 3500 रुपये है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कन्फर्म करें। इसके अलावा सेकेंड एसी के कोच भी हैं, जिसका बांद्रा टर्मिनस से जयपुर जंक्शन तक का पर सीट किराया है 2070 रुपये, जिसमें 1876 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है, GST चार्ज 99 रुपये है, टोटल किराया 2070 रुपये है। बाकी थर्ड एसी में इसमें तकरीबन 6 कोचेस हैं, जिसका बांद्रा टर्मिनस से जयपुर जंक्शन तक का टोटल किराया 1455 रुपये है, जिसमें 1300 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है, GST चार्ज 70 रुपये है, टोटल किराया बांद्रा टर्मिनस से जयपुर तक का 1455 रुपये है। ये अपडेटेड और सही किराया है। इसके अलावा इस ट्रेन में स्लीपर क्लास के कोच भी हैं, स्लीपर क्लास का बांद्रा टर्मिनस से जयपुर तक का जो टोटल किराया है वो है 555 रुपये, इसमें तकरीबन 7 स्लीपर क्लास के कोच हैं, जिसमें 505 रुपये तो बेस फेयर हैं, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है, 30 रुपये सुपरफास्ट चार्ज शामिल है, टोटल किराया 555 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है। इसके अलावा इस ट्रेन में जनरल डिब्बे भी हैं, जनरल डिब्बों के तकरीबन 4 कोच हैं, 2 कोच इंजन की तरफ, 2 कोच ट्रेन के पीछे की तरफ हैं, जिसका बांद्रा टर्मिनस से जयपुर जंक्शन तक का टोटल किराया 310 रुपये के करीब है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात करते हैं बांद्रा टर्मिनस से जयपुर तक चलने वाली बांद्रा टर्मिनस जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में। बांद्रा टर्मिनस जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है बांद्रा टर्मिनस मुंबई महाराष्ट्र से हर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को शाम के 5:05 पे 5 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है, और 16 घंटे 40 मिनट बाद अगले दिन सुबह 9:45 पे 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे जयपुर जंक्शन में पहुंच जाती है। इसके बाद जो दूसरा स्टेशन इस ट्रेन का है वो है अंधेरी मुंबई महाराष्ट्र, यहाँ पर ट्रेन जो है शाम के 5:11 पे पहुंचती है और 5:13 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे, आके ट्रेन जो है रुकती है, 6 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। बोरीवली मुंबई महाराष्ट्र में ट्रेन जो है शाम के 5:37 पे पहुँचती है और 5:40 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे, आके ट्रेन जो है रुकती है, 18 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है, और बोरीवली का स्टेशन कोड है BYI। इसके बाद पालघर रेलवे स्टेशन पे शाम के 6:26 पे पहुंचती है और 6:28 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे, आके ट्रेन जो है रुकती है, 75 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है, और पालघर का स्टेशन कोड है PLG। इसके बाद ये ट्रेन जो है वापी रेलवे स्टेशन गुजरात में पहुँचती है शाम के 7:14 पे और 7:17 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 3 मिनट का स्टॉप है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे, आके ट्रेन जो है रुकती है और 156 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। वापी के बाद वलसाड गुजरात में ये ट्रेन जो है शाम के 7:40 पे पहुँचती है
7:45 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2-5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 183 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। सूरत गुजरात में रात के 8:35 पे पहुँचती है और 8:40 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है बांद्रा टर्मिनस से चलकर वडोदरा जंक्शन गुजरात में पहुंचती है। यहाँ पर ट्रेन जो है रात के 10:28 पे पहुंचती है और 10:38 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। लोक शक्ति एक्सप्रेस के साथ इसकी यहाँ पर क्रॉसिंग होती है। गोधरा जंक्शन गुजरात में रात के 11:33 पे पहुंचती है और 11:35 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 455 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है GDA। इसके बाद दाहोद रेलवे स्टेशन गुजरात में रात के 12:23 पे पहुंचती है और 12:25 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 528 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद यह ट्रेन जो है मेघनगर गुजरात में पहुंचती है। मेघनगर गुजरात में रात के 12:50 के करीब पहुंचती है और 12:51 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 561 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है और मेघनगर का स्टेशन कोड है MGN। इसके बाद ये ट्रेन जो है रतलाम जंक्शन मध्य प्रदेश में पहुँचती है। यहाँ पर ट्रेन जो है रात के 2:10 पे पहुँचती है और 2:15 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 642 किलोमीटर की दूरी जो है बांद्रा टर्मिनस से यहाँ तक कवर कर चुकी होती है और शांति एक्सप्रेस के साथ इसकी यहाँ पर क्रॉसिंग होती है। इसके बाद नगदा जंक्शन मध्य प्रदेश में रात के 3:03 पे पहुँचती है और 3:05 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 684 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है NAD। इसके बाद ये ट्रेन जो है कोटा जंक्शन राजस्थान में सुबह 5:20 पे पहुंचती है और 5:25 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 909 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है और कोटा जंक्शन का स्टेशन कोड है KOT है। इसके बाद बांद्रा टर्मिनस जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो सवाई माधोपुर जंक्शन राजस्थान में सुबह 7 बजे पहुँचती है और 7:15 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 5-15 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है और यहाँ पर इसका इंजन जो है रिवर्स होता है। इसका स्टेशन कोड है SWM। इसके बाद बांद्रा टर्मिनस जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है दुर्गापुरा जयपुर राजस्थान में सुबह 9:05 पे पहुँचती है और 9:08 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 3 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है जयपुर जंक्शन राजस्थान में सुबह 9:45 पे पहुँचती है और 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। इस यात्रा को कवर करने के लिए इसे 1148 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करना पड़ता है। तो दोस्तों इसी के साथ ये ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो, इस तरह से चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।